अगर आप सोच रहे हैं डिटॉक्स करने की, वेट लॉस करने की, तो नेचुरली आप सब्जियों के बारे में सोच रहे होंगे, ज़्यादा सब्जियाँ खाना। और जहाँ डिटॉक्स की बात आती है, सबसे कॉमन सब्जियाँ आती है करेला और मेथी जैसा। तो आज हम लोग मेथी की एक सब्ज़ी बनाने जा रहे हैं जो बहुत इजी है, क्विक से बनती है, जल्दी से बनती है और बहुत ही हेल्थी है, स्पेशली न्यू लैक्टेटिंग मदर्स के लिए जो मिल्क सप्लाई अपना बढ़ाना चाहती हैं, उसकी क्वालिटी अच्छी करना चाहती है ताकि बच्चे को अच्छा दूध मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। एक कढ़ाई में आप घी ले लीजिए और उसमें डालिए जीरा और थोड़े से सरसों के दाने। और जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं एक आयरन की कढ़ाई में इस सब्ज़ी को बनाने जा रही हूँ, जो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब आप कोई भी पत्ते की सब्ज़ी बनाते हैं या जनरली भी कोई भी, अगर आप खाना बना रहे हैं, सब्ज़ी बना रहे हैं, स्लो कुकिंग कर रहे हैं, तो आप ज़रूर आयरन कढ़ाई का इस्तेमाल करिए। और इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पर डाल देंगे हींग, और जीरा, सरसों और हींग का तड़का डालिए। और जैसा कि मैं कह रही थी कढ़ाई की बात, जब आप आयरन कढ़ाई में बनाते हैं तो उसका जो आयरन है वो आपके फूड में लीच होता है। दैट मीन्स आपके फूड में धीरे धीरे करके वो इंक्लूड होता है। और अगर आप एनेमिक हैं, आपका हीमोग्लोबिन कम है, आपको आयरन की कमी है खून में, तो ये सारा पूरा करता है अगर आप आयरन की कढ़ाई, किसी भी आयरन के बर्तन में खाना बनाना शुरू कर रहे हैं तो। अगर अब तक आपने नहीं किया है तो प्लीज़ स्विच इट, एक अच्छी सी हैवी बॉटम की आयरन की कढ़ाई लीजिए और उसमें बनाना शुरू करिए। और अगर आप मिर्ची खाना पसंद करते हैं तो इस तड़के में मिर्ची ऐड करिए। अगर बच्चे खाने वाले हैं तो बड़ा डालिए, बड़े पीसेस डालिए, या नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। और अब हम लोग डाल रहे हैं सफ़ेद उड़द की दाल, बिना छिलके वाली। मैंने बस इसको धो के ले लिया है, इसको भिगोने की कोई ज़रूरत नहीं है। उड़द दाल डाइजेशन बेटर करता है, बोन की मिनरल डेंसिटी भी बढ़ाता है, एक पेन रिड्यूसर का काम करता है, बॉडी में एनर्जी बूस्ट करता है, ब्लड शुगर लेवल को बैलेंस करता है। और जहाँ ब्लड शुगर लेवल की बात आती है, तो मेथी तो उसके लिए रामबाण है। तो मेथी तो आप खा ही रहे हो, और ये सारी चीज़ें जब ऐड करते हो आप, तो इसके न्यूट्रिएंट्स ध्यान में रख के आप ऐड करेंगे, किस वेसल में बना रहे हैं, तो दिस ऑल एड्स अप कि एक अच्छी हेल्दी न्यूट्रिशियस सब्ज़ी आप बना रहे हैं। और इस सब्ज़ी में, किसी भी पत्ते वाली सब्ज़ी में, अगर आप लहसुन का इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत ही फ्लेवरफुल हो जाता है। सो डोंट फॉरगेट टू ऐड गार्लिक, लहसुन ज़रूर ऐड कीजिए। और कौन भूल सकता है कि गार्लिक एक सुपर फूड माना जाता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल लोअर करने में हेल्प करता है। सर्दियों का सीज़न है तो उसको आप जितना कंज्यूम करेंगे, आपको सर्दी से, खांसी से बचाता है, कॉमन कोल्ड से बचाता है, इन्फ्लेमेशन कम करता है, एंड देर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स ऑन गार्लिक। और इसके साथ साथ ही हम लोग ऐड कर देंगे प्याज, बारीक कटी हुई प्याज डाल दीजिए। और अब हम इसमें ऐड करेंगे आलू। मैंने छोटे आलू लिए हैं और स्पेशली उसको छिलके के साथ लिए हैं। तो अगर आपके पास आलू अच्छे मिल रहे हैं, जो अच्छे से साफ़ सुथरे हैं, मिट्टी ज़्यादा चिपकी हुई नहीं है, या अगर आप उसको साफ़ कर सकते हैं, तो आप ज़रूर आलू को छिलके के साथ बनाइए। छिलके में बहुत बेनिफिट्स होते हैं, उसका हाई फाइबर कंटेंट ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, हार्ट डिसीज़ के लिए अच्छा होता है, क्योंकि उसमें एसेंशियल मिनरल्स होते हैं और पोटेशियम से लोडेड होता है वो, ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करता है। इट इज़ सो गुड। एंड इसके साथ साथ अब हम ऐड करेंगे सॉल्ट। अब जब सॉल्ट की बात आ रही है, तो मैं प्रेफर करती हूँ जो हमारा रेगुलर वाइट सॉल्ट है वो तो मैं डालूँ ही, तो उसका मैं क्वांटिटी आधा करके मैं बाकी अपना जो पिंक सॉल्ट है, अगर वो अवेलेबल है, या ब्लैक सॉल्ट है वो अवेलेबल है, तो मैं उसको डालती हूँ। ये सारे सॉल्ट्स अगर आप बोलेंगे तो सिर्फ टेस्ट के लिए माने जाते हैं, नहीं, इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, आयरन होता है, जिसकी वजह से इसको इसका पिंक कलर मिलता है। सो ऑफ कोर्स इसमें हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं, सिर्फ आपके टेस्ट चेंज के लिए नहीं होता है।
तो आप बाकी सॉल्ट भी ऐड करिए रेगुलर सॉल्ट के साथ। अब क्योंकि हम लोगों ने गार्लिक डाला है और मैं तेल बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती, तेल कह लीजिए या घी कह लीजिए, मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती, तो वो थोड़ा थोड़ा चिपक सकता है आपकी कढ़ाई में, क्योंकि गार्लिक चिपकता है। तो उसको आप कुरेचते रहिए धीरे धीरे, और जब तक आलू अच्छे से पक नहीं जाता तब तक आप उसको थोड़ा ढककर थोड़ा खुला अच्छे से भूनते रहिए। एक बार आलू पक जाएगा देन वी विल गो अहेड। आलू बहुत रिच होता है आयरन, जिंक में, मैग्नीशियम में, फॉस्फोरस में, कैल्शियम में और कार्बोहाइड्रेट्स, तो आई थिंक सब जानते ही हैं। अगर आप छिलके के साथ बना रहे हैं तो एक हाई फाइबर फूड भी आपको मिल सकता है इसी में। आलू आप जितने हो सके उतने पतले पतले काटिए ताकि जल्दी पकेगा, और एक बार आलू अच्छे से पक गया तभी हम लोग उसमें ऐड करेंगे हमारी मेथी। और अगर आपको मेथी मैसी लगती है लाने में, उसको साफ़ करने में, उसके पत्तियाँ निकालने में, तो यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं मैंने एक वीडियो भी बनाया है कैसे आप इजीली मेथी को साफ़ कर सकते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, कैसे उसको आप कट कर सकते हैं। काफ़ी लोगों को पत्ते वाली सब्ज़ी लाना और बनाना इसीलिए मैसी लगता है, इसीलिए बड़ा काम लगता है कि उसको साफ़ करना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अब आप इसमें डाल दीजिए थोड़ी सी हल्दी, और अब आलू पक चुके थे तो मेथी डालने के बाद हम लोगों को मेथी को ओवर कुक नहीं करना है, जलने नहीं देना है, एक अच्छा सा फ्लेवर भी रहने देना है और उसका कलर भी रहने देना है जितना पॉसिबल हो पाए। अब इसके बाद मैं बस ये कोशिश कर रही हूँ कि ये अच्छे से मिल जाए, कढ़ाई में अच्छे से फैल जाए, ताकि धीरे धीरे जो कुक हो के आयरन एनरिच बन जाएगी ये सब्ज़ी, तो बहुत हेल्दी, न्यूट्रिशियस और टेस्टी भी बनने वाली है। और जब आप उसमें गार्लिक डाल चुके हैं, आलू डाल चुके हैं, तो उसका फ्लेवर तो ऑलरेडी एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गया है। सो मेक श्योर आपका सब्ज़ी पूरी तरह से रोस्ट हो गया है, हम लोग इसको ड्राई सब्ज़ी बना रहे हैं तो जलने ना पाए। सो कीप मिक्सिंग, कीप मिक्सिंग, ये ही इसका की है नीचे ज़्यादा चिपकने पाए। कई लोग बहुत ज़्यादा तेल डाल देते हैं, घी डाल देते हैं, तो उन लोगों को शायद ये दिक्कत नहीं आएगी, बट मैं प्रेफर करती हूँ कि कम तेल और जितना हो पाए कम घी में बनाऊँ, अनलेस किसी डिश के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि डालो ही थोड़ा सा ज़्यादा घी, जैसे हलवा हो गया टाइप। बट ये सब में यू कैन कंट्रोल द क्वान्टिटी ऑफ ऑयल, तो बस आपको तैनात रहना होगा कि आप चलाते रहें, जलने ना पाए, क्योंकि सूखी सब्ज़ी है, तेल कम है। बस ये हमारी आलू मेथी की भाजी सब्ज़ी रेडी हो गई है, इसको पकाइए खाइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अब तक आपने नहीं किया है, और शेयर कीजिए उन सभी लोगों के पास जो हेल्थ कॉन्शियस हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप एक कमेंट भी कर दें इस पर। थैंक यू।